बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दूसरा दिन था जो मैंने कटे मसाले का गोश्त बनाया था, वो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और ये तकरीबन 1.5 kg, ये हमारा ईद उल अज़हा का कुर्बानी का गोश्त है, हड्डी और चिकनाई गोश्त के साथ मिक्स। और ये तमाम गोश्त मैं इसमें पानी में ऐड कर दूँगी, थोड़ा और पानी ऐड होगा इसमें। और इसमें सारे मैंने कटे मसाले डाले हैं, प्याज काटी है मैंने 400 ग्राम, लहसुन अदरक है 4 टेबल स्पून, देसी लहसुन अदरक, और साबुत मिर्च है तोड़ ली है मैंने 7 से 8 अदद, और 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, और लहसुन अदरक है 4 टेबल स्पून। ये पानी, ये 400 ग्राम हमारी बारीक प्याज है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है गोश्त में पानी के साथ। और तमाम मसाले हमारे साबुत जाएंगे इसमें, ये लहसुन अदरक है, और ये मैंने आधे घंटे में तैयार कर लिया था। ईद का दूसरा दिन था ये बकरा ईद का। और ये तमाम हमारे ड्राई मसाले हैं, ये टमाटर हैं ये 500 ग्राम, इसको भी काट के धो के अच्छी तरीके से ऐड कर दिया, इसी गोश्त में शामिल कर दिया है हमने। और ये नमक है 1 टेबल स्पून, हल्दी है, काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, और पिसा धनिया है 2 टेबल स्पून, काली मिर्च है, और ज़ीरा है, और साबुत ज़ीरा, और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें ड्राई मसाले, और ये 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है, तमाम काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और सब्ज़ी इलायची, दालचीनी, और थोड़ा सा पानी ट्रे में साफ़ करके मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया है। और ये कटे मसाले का गोश्त बहुत जल्दी तैयार होता है, बकरा ईद में टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए ये सब तमाम मसाले मैंने इसमें मिक्स करके, और 2 सालन के चमचे कुकिंग ऑयल है ये हमारा गोल्ड फ्लावर, ये ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं चूल्हे पे रख दूँगी आधे घंटे के लिए फुल आंच पर। जब इसमें उबाल आ जाएगी तो इसको मीडियम करके कवर कर दूँगी, कवर रख करके इसको मीडियम आंच पे गलने दूँगी आधे घंटे में ये हमारा। फिर इसको आधे घंटे के बाद मैं भून लूँगी, जब ये भून जाएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये देखें इसकी भूनने के बाद शक्ल कैसी आई, और ये बहुत यमी बनता है। और ये तमाम मसाला ये गोश्त के साथ अच्छी तरीके से गल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और ये देखें गलने के बाद ये इसकी शक्ल ऐसी आई है, तेल अलग नज़र आ रहा है हमारा, मसाला गोश्त सब चीज़ें गल गई हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी प्लेट में, और ये बेहद मज़े का बनता है। और ये बकरा ईद में टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये मैं लाजमी तौर पर बकरा ईद पर ये डिश बनाती हूँ, कटे मसाले का गोश्त, और एक स्टू बनाती हूँ, ये दो चीज़ें लाजमी बनाती हूँ मैं बकरा ईद के पर। और ये देखें गलने के बाद, पकने के बाद कितनी अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही है। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।